राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय अनादर व्लॉग। बहुत दिन बाद ये व्लॉग बनाने का टाइम मिल रहा है क्योंकि पेपर चल रहे थे अभी अभी। कुछ ही दिन पहले कॉलेज के पेपर ख़त्म हुए हैं और अभी मतलब आज कल ही यानी डिसाइड हुआ कि आज हम बाहर जा रहे हैं, पास ही में बैतूल, जहाँ पर बालाजीपुरम है उसको जा रहे हैं। तो चलो चलते, तैयार हो गए, बस निकल। और यहाँ पे भैया ने बड़ा अच्छा गाना लगाया है, प्रेम रतन धन पायो। वाह, किस तरह के गाने बज रहे हैं। इतनी देर बाद कुछ अच्छा गाना लगा है। बालाजीपुरम, ये एंट्रेंस गेट है, ये है बैतूल का बालाजीपुरम टेम्पल। ये ऊपर यहाँ पे ये देखो, ये हमारी मेरी बहन, ये बिल्कुल ऐसा फील कर रही है कि सेलिब्रिटी है वो, जो है नहीं। फिर ये पूरा अंदर मंदिर है, यहाँ जूते चप्पल भी उतारना पड़ेगा। मेरे पीछे यहाँ बालाजीपुरम बैतूल का ये मंदिर है। अभी पहले मंदिर दर्शन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर से ही कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरे हनुमान जी बने हुए हैं पिल्लर्स दिखाने के लिए। कुछ बालाजीपुरम मंदिर के पीछे ही खड़ा हूँ मैं, और ये बहुत बड़ा हमारा स्नेक यहाँ पे है, इसकी एंट्रेंस है यहाँ से। अब देखते हैं अंदर जा सकते हैं कि नहीं। तो ये और ये यहाँ पे फोटो शूट चालू है। ये देखो ये देखो, ये बाहर निकल हुए हमारी प्रज्ञा दीदी, ये देखो। और आपको मैं दिखाता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़, कितनी बड़ी शिवलिंग है यहाँ पे पीछे भगवान शिव की, अभी हमें देखने को मिली है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखो, छिपकली मंदिर, छिपकली सही पढ़ रहा हूँ ना मैं। ये क्या है, ये मार्केट है यहाँ का। अभी इसके पहले मैं सोचा है कि हम पहले खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद फिर आराम से घूमेंगे और फिर घुमाएंगे। तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, यहाँ पे पास में खाने का है तो हम खाना खाने जा रहे हैं अभी। तो ये अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये पूरे वेटिंग रूम से यहाँ पर आप रुक सकते हैं। और मैंने प्राइस पूछा तो 500 पर डे के हिसाब से। यहाँ पे पूरे सोलार के और यहाँ पे पूरा खाने की व्यवस्था भी है और रीज़नेबल रेट है। और अभी हम लोग यहाँ खाने के लिए बैठे हुए हैं, ये वाला टेबल है। जब तक मैंने सोचा ऑर्डर आ रहा है, खाना आ रहा है, तब तक घुमाता हूँ जितना हो जाए। ये पूरे यानी नवग्रह के मंदिर है, नवग्रह है। ये इधर बाहर बैठे थे लेकिन अभी सबका डिसाइड हुआ है कि बहुत ज़्यादा यानी वहाँ गर्मी है और पंखा भी नहीं, इसलिए हम एसी वाले में हैं, मतलब थोड़े पंखे वाले में आ गए यहाँ पे। और थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए अंदर आए, यहाँ पे एक्वेरियम है, लक्ष्मी जी, क्षीर सागर भी बैठे हैं नीचे, शिव जी। पीछे जो है ये पूरी बर्ड्स है यहाँ पे, वो पैरेट है। ये तो मैंने बहुत बना लिया है।
और ये आगे, अरे यहाँ से कौन छूट के बग गया यार, तो खाली है। ये कुछ झांकियां बनी हुई हैं। और ये ऋषि मुनि सॉरी सीता स्वयंवर का है, राम जी दुर्गा जी का मंदिर है। अंदर वाला पोइचा नहीं घूमे ना, अंदर वाला वो यहां विष्णु जी की मूर्ति वहां बन गई थी तब नहीं गए थे सामने वाला ना। नदी यहाँ पे बनाया दृश्य मैयर वाली जो हम गए थे उनका यहाँ पर दृश्य बनाया गया है, का मतलब ज्यादा कोई असर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पूरे उसमें यानी बहुत हरे हरे पूरे प्लांटिंग किए हैं उन लोगों ने, प्लांट्स लगाए हैं और बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। ध्यान से देखना ऐसा लग रहा है ये रुद्राक्ष जैसा पेड़ है, कुछ रुद्राक्ष जैसा लगा है, पता नहीं क्या है। इसके लिए पूरी सुविधा की है और ये देखो ये बढ़िया बढ़िया यहाँ पे एनिमल्स है ढेर सारे और स्पोर्ट्स के लिए यानी झूले वगैरह भी लगे। ये बाप रे कितना ऊपर ऊंचा है, देवी का यहाँ पे एक दृश्य बनाया गया है जिसमें ये ऊपर 3 मंजिला चढ़ना है, वैष्णो माता एक गुफा जैसे बनाया है अंदर गुफा का। और थोड़ा सा ये माँ सीता और माँ श्री राम भगवान। अब हम वैष्णो देवी की गुफा ऊपर चढ़ रहे हैं। अब बोले जय माता दी, देखते जा रहा हूँ पापा और छोटे से छोटे होते जा रहे हैं जितने भी ऊपर मैं जा रहा हूँ, इससे मुझे मेरी जूम फोन की जूम की क्वालिटी आज मुझे पता चल गई। पूरे खेत हैं सब जगह, हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर पास के पास एक दिन में अगर कहीं पर घूमने के लिए आना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बैतूल बालाजीपुरम आप फैमिली के साथ आ सकते। और अब मेरे पीछे हम आ ही गए हैं, पूरे पेड़ पौधे पूरी हरियाली, गर्मी तो लग रही है थोड़ी थोड़ी लेकिन ये पेड़ के कारण बहुत अच्छी हवा चल रही है। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, ये ऐसा है यहाँ अंदर से कुछ गुफा है, गुफा के अंदर से महादेव श्री भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी यहाँ पे उनकी मूर्ति बिठाई गई है। जय बजरंगबली जय श्री राम। ऊपर ये संतोषी माता मंदिर बन, अब हमें अंदर जाना है, यहाँ पे आगे सीढ़ियाँ हैं जिसके थ्रू हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से ये सीढ़ियाँ जाती है। और यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे, सीढ़ी से जाना है नीचे से ऊपर और वहाँ संतोषी माता जी का मंदिर है। ये संतोषी माता की मूर्ति इधर साइड, ये बढ़िया है, ज्यादा प्रज्ञा प्रज्ञा सा रही है, बढ़िया है। वाटरफॉल झरना और महादेव, कितना सुंदर ये दृश्य। और यहाँ से 12 ज्योतिर्लिंग की जो है वो स्टार्ट होता है, यहाँ से अंदर से जाना है और जो बड़ी वाली शिवलिंग दिखाया है उसके अंदर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग लगे हैं बने हैं। देखो पूरी पानी की तरह पानी, ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरी ठंडा ठंडा पानी पानी यहाँ पे पैरों में लग रहा है, पूरी 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर पूरा बनाए गए हैं। शिव जो बड़ी सी शिवलिंग दिखाई गई थी उसी के अंदर ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहाँ पे हैं। और इतना ठंडा लग रहा है मानो एसी से, एसी भी मतलब फेल है, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है यहाँ पे। वो शिवलिंग बहुत बड़ी, इसी के अंदर से अभी हम निकले। नंदी जी है शंकर जी को की तरफ देखते हुए, बहुत पूरी बैठकर खाने की सुविधाएं हैं जगह जगह पर, तो कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। गार्ड में सब बैठे हैं, अंदर जाएंगे। अरे बहन जय भाई,
और ये सांप के मुंह के अंदर तो बढ़िया लग रहा है। मैं तो सोच रहा था कुछ कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ लग नहीं रहा, बढ़िया दिख रहा है। के अंदर भगवान शिव जी है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सुंदर शिव जी है। तो मैं इस वक्त बालाजीपुरम मंदिर के जस्ट पीछे ही खड़ा हुआ हूँ, आगे खड़ा हुआ हूँ। ये बहुत ही सुंदर नक्काशी वाला मंदिर है और ऑलमोस्ट पूरा घूमकर हो गया है। अब बस में बैठकर वापस निकलना है। थैंक यू सो मच, और इसके साथ मैं अपना ये ब्लॉग एंड करता हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।